नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेस्ट किचन में। आज हम आपके लिए एक साउथ इंडियन स्पेशल कोलमो की रेसिपी लेके आए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो कोलमो सांभर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर में लेंगे आधा कप तूर दाल, जिसको हमने आधे घंटे तक भिगो के रखा है। इसमें डालेंगे जरूरत के हिसाब से पानी और इसको एक सीटी तक पकाएंगे। प्रेशर जाने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे बीन्स एक कप, एक कप टिंडे, एक कप ककड़ी, एक कप कोलाबी, आलू एक कप। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और एक सीटी तक पकाएंगे। आप इसमें अपनी मनचाही सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। हमारी दाल और सब्जियां अच्छे से पककर तैयार है। अब एक पतीले में लेंगे एक बैंगन लंबे साइज में कटा हुआ, एक ड्रमस्टिक मीडियम साइज में कटी हुई। इसमें डालेंगे 2 कप पानी और इसे धीमे आंच पर पकने देंगे। ध्यान रखें, हमें सॉफ्ट सब्जियां ऐसे ही पकानी है, ना ही कुकर में, ताकि वो सॉफ्ट और मैशी ना बने। और जो भी हार्ड सब्जियां हैं, उसे हम कुकर में पका सकते हैं। अब मसाला बनाने के लिए एक गर्म पैन में लेंगे 2 छोटे चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और इसे अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 बड़ा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई, 1/2 छोटा चम्मच मेथी के दाने और इसे भी अच्छे से भूनेंगे। अब हम डालेंगे 10-12 कड़ी पत्ते, 3-4 चुटकी हींग, 4 से 5 लाल मिर्च और इसे कुछ देर के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच चना दाल और उसे भी अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच किसा हुआ नारियल और उसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इमली 1 छोटे नींबू साइज की और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब एक मिक्सी जार में हम इन भुने हुए मसाले डालकर जरूरत के हिसाब से पानी डालकर अच्छे से पीस लेंगे। हमारा मसाला तैयार है। अब उबले हुए बैंगन और ड्रमस्टिक में हम दाल और सब्जियां जो कुकर में पकी थी उसका मिक्सर डालते हैं। अब हम इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगा तैयार किया हुआ मसाला। मसाला डालकर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए अपने हिसाब से पानी डालेंगे। अब इसे कुछ देर तक के लिए उबालेंगे।
अब इसमें डालेंगे फ्रेश हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तड़के के लिए एक पैन में डालेंगे 3 छोटे चम्मच तेल, 1 लाल मिर्च छोटे टुकड़े में कटी हुई, जीरा 1/2 छोटा चम्मच, 7-8 कड़ी पत्ते, 1/2 छोटा चम्मच राई और इसे अच्छे से भूनेंगे। अब तड़के को कोलंबो सांबार में ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कोलंबो सांबार परोसने के लिए तैयार है। इसको आप गरम गरम चावल या इडली के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको पड्डू के साथ भी सर्व कर सकते हैं। पड्डू की रेसिपी आपको आई बटन में मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी और अनोखी रेसिपीज इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे और स्वस्थ रहे।